नमस्कार, मैं आपको कुछ ट्रिक्स सिखाने जा रहा हूँ कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई करने की शॉर्टकट ट्रिक। तो पहले हम 2 बाय 2 की ट्रिक सीखेंगे, फिर हम 2 बाय 3 की और फिर 3 बाय 3 की ट्रिक सीखेंगे। 2 बाय 2 का मतलब 2 बाय 2 डिजिट का मतलब है 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई को फास्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा काम है, बहुत ईजी कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना, प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस होगी तो ही कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल लिया, 12 गुणा 13। आपको स्टार्ट वैसे करना जैसे नॉर्मल आप स्टार्ट करते हैं। राइट साइड के डिजिट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, सबसे पहला काम ये, इनको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप, 2 * 3 = 6 लिख लिया। अगर कोई कैरी चढ़ती है तो बात अलग है, कैरी यानी हासिल जा रही है तो ठीक है, नहीं जा रही तो कोई बात नहीं। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमेशा। 2 को तो इससे 1 से गुणा करना है नीचे वाले से, और 3 को 1 से गुणा करना है। तो 3 * 1 = 3, 2 * 2 = 2, और दोनों को जोड़ लो। 3 और 2 कितना हो गया बेटा, 5। कोई हासिल थी नहीं, लिख दो 5। ये सेकंड स्टेप, और थर्ड स्टेप लास्ट स्टेप। अब इन दोनों को डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, 1 * 1 = 1। तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन आया वो कितना आया, 156। और एग्जाम्पल देखिए, 23 * 57। ठीक है, करो देखो, 7 * 3 = 21, कैरी 2, कैरी कितना 2। अब 7 * 2 = 14, 5 * 3 = 15, 14 * 15 कितना हो गया 29, और हासिल कितनी थी, 2 अपने पास ऑलरेडी थी, 29 और 2 = 31 का 1, हासिल 3। चाहो तो हासिल लिख लिया करो, ठीक है। 5 * 2 = 10 और 3 = 13, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया बेटा, 1311। ठीक है, और देखो, 59 * 12, 59 * 12, अब करो, 9 * 2 = 18 का 8, हासिल 1, 1 रखा हुआ है, 5 * 2 = 10, 9 * 1 = 9, 10 और 9 19, हासिल 1 का ऑलरेडी था, 19 और 1 = 20, 0 हासिल 2, 5 * 5 = 2 = 7, कितना आ गया, 708। क्लियर है। इसके अलावा 36 * 48 करो, 8 * 6 = 48 का 8, हासिल 4। ठीक है, 8 * 3 = 24, 6 * 4 = 24, 24 * 24 = 48, 48 * 4 = 52, 52 का 2 हासिल 5, 5 * 4 = 12 और 5 = 17। तो यह आ गया इसका प्रोडक्ट, 76 = 95। थोड़ा सा बड़े नंबर पे चल जाओ, लेकिन हाँ, अगर आप इसकी प्रैक्टिस खुद कर लोगे, डेफिनेटली चैलेंज कर रहा हूँ मैं, कि आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है आपकी, दिमाग शार्प होता है आपका। करो, 6 * 5 = 30, जोड़ मत देना, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कैरी 3, 7 * 5 = 35, 9 * 6 = 54। अब यहाँ पर आकर थोड़ा सा आप अटक जाओगे कि यहाँ पर 54 हो गया और 35 हो गया। अब 54 और 35 अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 89, 89 और 3 = 92, हासिल 9। ठीक है, 63 * 7 = 63, 63 और 9 72। तो इस तरह से इसका मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करें, ये 5 एग्जाम्पल आपके लिए सफिशियंट है, 5 मिनट का काम है, लेकिन प्रैक्टिस अगर आप थोड़ी सी कर लोगे तो ज़िंदगी भर का काम आसान हो जाएगा। और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं आपको 3 बाय 2 और 3 बाय 3 की मल्टीप्लीकेशन सिखा सकूँ, पर उसके लिए पहले आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।